चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैक डेट की डिग्री। जी हाँ, अगर आप लोग भी बैक डेट की डिग्री करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बैक डेट की डिग्री होती क्या है और आपको करना सही होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप लोग बैक डेट की डिग्री करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो बैक डेट की डिग्री ये होती है कि मान लीजिए आप आज चल रहे 2022 मान लीजिए, और आपको मैं बोलता हूँ कि 2021 से आपका एक साल कम करवा दूंगा, तो ये होती है डेट की डिग्री। यानी कि आपका जो वन ईयर है वो मैं पिछले साल में क्लियर करवा दूंगा जो 2021 में, और 2022 में आपका सेकंड ईयर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा होता है कि इससे होता क्या है कि उसका टाइम बच जाता है, जो भी ये करता है बच्चा उसका टाइम बच जाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको वन ईयर का एक चांस मिलता है, और जिससे कि वो उसका कंप्लीट हो जाता है कोर्स कम टाइम में, वो ये सोचता है। लेकिन आपको बता दो, बैक डेट की डिग्री बनवाने वाले और बनाने वाले या फिर पढ़ने वाले, उनका फ़ायदा है और नुकसान के बारे में कोई नहीं सोचता है। लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तो बैक डेट की जो डिग्री होती है वो बिल्कुल ही गैर कानूनी होती है। जी हाँ, आपको बता दूँ, आप चाहे कहीं भी जाके पढ़िएगा, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी होती है और ये किसी भी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं कही जा सकती है। अगर आप सोचते हैं कि ये मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोग भी इन लोगों के झांसे में आ रहे हो तो हमेशा बच के रहिएगा। आज ज़रूर आप कर लोगे, आपकी डिग्री हो जाएगी, लेकिन आगे टाइम के लिए वो वैलिड होगी नहीं होगी थोड़ा सा सोच के देखिएगा। क्योंकि 99% लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि भैया आप ये क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो बैक डेट की डिग्री मान्य रहेगी नहीं रहेगी। अब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको लोगे कि बैक डेट की डिग्री यहाँ से कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत है, तो वो आपके ऊपर। अगर आप लोग कर रहे हैं तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, अगर मेरे हिसाब से मत करिएगा आप। क्योंकि बैक डेट की जो डिग्री होती है वो एक बार आपको मान लीजिए कम टाइम में हो तो जाती है, लेकिन आपको आने वाले टाइम में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भर भर के मेरे पास, तो बैक डेट की डिग्री सही होगी नहीं होगी। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि बैक डेट की डिग्री बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग। अब आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बोल रही है मान्यता प्राप्त है, कॉलेज बोल रहे हैं मान्यता प्राप्त है, तो हमारी जो डिग्री है वो 100% वैलिड है। मैं कहूँगा नहीं। आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि अब आपकी जो बैक डेट की डिग्री है वो एक तरीके से फर्जी डिग्री मानी जाएगी। जी हाँ, फर्जी डिग्री। अगर आप लोग सोचते हैं बिल्कुल रियल डिग्री मानी जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इन जो भी कंसल्टेंट ये जो करा रहे हैं तो इनसे बच के रहिए मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि वो करा दे रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, आपको करवा देना है जैसे तैसे। लेकिन आपको बता दूँ, ये कोई भी मान्यता या इनकी कोई भी आगे वैधता नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप इनसे फ्यूचर बना सकते हैं, कभी भी फ्यूचर नहीं बनेगा आपके इन डिग्रियों से। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो एक रेगुलर या डिस्टेंस से जो रेगुलर प्रोसीजर चलता है, यानी कि एक साल से लेकर थर्ड ईयर या सेकंड ईयर तक, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलोअप करना पड़ेगा, तभी आपकी डिग्री मान्य रहेगी। अदरवाइज आप ऐसे सोचते हैं बैक डेट डिग्री में हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों इतनी ही जानकारी देनी थी, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बिल्कुल रियल न्यूज़ दूंगा, अच्छी न्यूज़ दूंगा, ताकि आप लोगों के समझ में आ सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारे चैनल पर हैं नहीं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं आपको एक सुझाव, एक कुछ भी अपनी इंपॉर्टेंस बता सकूँ। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।